Assalamualaikum viewers, this is Margaret Rishan. Welcome back to my channel. First of all, you all like, share and subscribe my channel. So, आज जो मैं आई हूँ फिर एक रेसिपी के साथ, हम आज बना रहे चिकन करी. जी हाँ, सो इसके लिए बहुत सिंपल है और हर घर में बनती है, लेकिन हर किसी की अपनी रेसिपी और अपना अलग टेस्ट होता है. तो मैंने बोला क्यों ना आज मैं आपको जो है वो अपने स्टाइल से बनाऊँ. सो चिकन करी जो है वो किस तरीके से बनती है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुकिंग ऑयल जो है वो कढ़ाई में रख दिया है और ये जो है वो गर्म हो गया है. अब जब हमारा ये ऑयल गर्म हो जाएगा, हम इसमें ज़ीरा डालेंगे. इसमें जो है वो हल्का सा ज़ीरा डाल के इसको जो है वो कड़कड़ा लेंगे. सही है, जब ज़ीरा माला हो जाएगा तो हम इसमें एक जो है वो अनियन स्लाइस कटा हुआ ये डाल देंगे. अब हमने इसमें अनियन डाल दिया है और तो अनियन को जो है हम हल्का सा जो है वो लाइट ब्राउन करेंगे. थोड़ा टेस्ट कर देते हैं, अनियन थोड़ा सा जो बिल्कुल डार्क ब्राउन ना हो, उससे हल्का हल्का अपना जो कलर चेंज कर देगा. तो हम इसमें यहाँ पे अच्छा मैं इंग्रेडिएंट्स बता दूँ. यहाँ पर चिकन है, आलू है, हरी मिर्चें हैं, टमाटर है, अदरक और लहसुन का पेस्ट है, नमक जाएगा, हल्दी, लाल मिर्च और धनिया जो है पीसा हुआ. सही है, ये इसमें जाएगा. अच्छा, मैं जिसमें अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स बनाती हूँ वो होता है कोरमा, यानी कि कोरमा मसाला भी थोड़ा सा डाल देती हूँ, उससे जो बहुत लजीज खुशबूदार बनता है. अच्छा, आज मेरे पास कोरमा नहीं है तो आप लोगों को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है. तो आज मैं इसको सिंपल जो बेसिक रेसिपी है उससे बनाऊँगी, उससे भी बहुत मज़े का बनेगा. और आप सबको पता है जैसे कि सर्दियाँ आ गई हैं, यहाँ हमारे पास सिंगाड़े हैं, ये मैं उबाल रही हूँ. और सिंगाड़े जो है आप लोगों को ज़रूर खाने चाहिए, क्योंकि इसमें कैल्शियम का खजाना होता है और वैसे भी जो है ये ग़ज़ाई से भरपूर हो सकते होते हैं. तो यहाँ हमारा प्याज जो वो ऑलमोस्ट हो गया है. अब हम अपना जो चिकन इसमें डाल देंगे और चिकन को जो हम इतना फ्राई करेंगे कि चिकन जो है वो अपना कलर जो है वो चेंज कर ले. और जो है वो आप ज़रूर मुझे बताया करें कि किस तरीके की वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं, ब्यूटी रिलेटेड या. अच्छा, मैं आपको अपनी इस वीडियो में बता दूं कि मेरा जो है बहुत बड़ा जो गिफ्ट अवे आने वाला है, और मेरे सब्सक्राइबर के लिए, मेरे न्यू सब्सक्राइबर के लिए भी और जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनके लिए भी, और जो मतलब मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उसमें उनके चांसेस जो है वो ज़्यादा हैं कि वो जीतें. यानी कि जो प्रॉपर लाइक शेयर करते हैं मेरी वीडियो को, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं और शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं. सो जल्द से जल्द जो है वो आप मेरी जो है वीडियो शेयर लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट्स करें और मुझे डन भी लिख के जो है मैसेज में बताएँ कि हमने जो है ये कर दिया, ताकि जो है मैं उनके नाम जो है नोट डाउन करती रहूँ और जब मैं गिफ्ट अवे का विनर जब अनाउंस करूँ तो वो लोग का नाम जो है जाहिर सी बात है ज़्यादा कंसिडर करा जाएगा, जो है ज़्यादा जो है वो शेयर करेंगे मेरी वीडियोस को और मतलब एक्टिव रहेंगे मेरे पेज के साथ. सही है, यहाँ बातों ही बातों में ही मेरी जो चिकन है उसका भी कलर चेंज हो गया है ऑलमोस्ट. ठीक है, जब हमारी किचन चिकन जो है वो अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगी फिर हम इसमें जो है बाकी मसाला ज़्यादा है. अब इसमें जाएंगे हमारे पास एक टमाटर बड़ा मीडियम साइज का चॉप हुआ हुआ. सही है, टमाटर चला गया. अच्छा, अब टमाटर डालने के बाद मैं साथ साथ जो है वो मसाले भी डाल देती हूँ. अच्छा, इसमें जो जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट हम डाल देंगे, थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा ही इसमें जो है वो अदरक पेस्ट जाएगा. और इसको भी हम थोड़ा सा हिला लेंगे ताकि इसकी जो है स्मेल जो है भू जो है वो ख़त्म हो जाए. वो भू ख़त्म होना जो है बहुत ज़रूरी है. अच्छा, आप लोग जो है वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाया करें, जो भी आपके पास चीज़ें होती हैं अवेलेबल उससे जो हम कुकिंग कर सकते हैं. अब मैं इसमें जो मसाले भी ऐड करना शुरू कर देती हूँ. हसबे जाएगा इसमें नमक जाएगा, सॉल्ट अपने जो हिसाब से आप ऐड कर लिए अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट. देन वी हैव टर्मेरिक पाउडर, हसबे जाएगा यानी हल्दी. ठीक है, हल्दी लाजिम डाला करें, खाने में एंटी बैक्टीरियल होती है ये और आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाती है. फिर हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, ये भी जाएगा. फिर हम इसमें जो मोस्ट इंग्रेडिएंट जो होता है तमाम सालों का वो होता है धनिया पाउडर, टू टीस्पून इसमें जो है धनिया पाउडर जाएगा. सही, अब हम तमाम मसालों को जो है अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, तमाम मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे.
आ गया मेरा। तो यहाँ जो हम इसमें थोड़ा सा जो है पानी डाल देंगे ताकि चिकन और जो टमाटर है वो थोड़े से गल जाए, और इसको ढककर जो है हम रख देंगे। और फिर जो है हम इसमें आलू और ग्रीन मिर्ची वगैरह डाल के इसको जो वो पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हमने इसको ढक के रख दिया, 5 से 10 मिनट रख देंगे, फिर मिलता है।